हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी जानते हैं सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में हम सभी जन सर्दियों में हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रखने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी में गर्मी बने रहे, इसके लिए हम तरह तरह के फूड खाते हैं और बनाते भी हैं। यानी कि हम बहुत सके हम जैसे कि हमारे घर में बहुत से लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि ठंडी में, खासकर सर्दियों में, अब देखेंगे सर्दी के मौसम में लोग मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू और कुछ उड़द दाल के लड्डू बनाते हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बनी रहे। क्योंकि खासकर सर्दियों में हमारे बॉडी को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके चलते आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सर्दियों में बहुत जल्दी टॉयलेट आने लगती है, उनका बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी लो होने लगता है। जैसे एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसके मुकाबले अपने बॉडी का टेम्परेचर लो होने लगता है और हम सर्दी से कम कपाने लगते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसे क्या फूड खाने चाहिए ताकि अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बना रहे और हमारे बॉडी में जो गर्मी है, अंदरूनी गर्मी है, वो बनी रहे, जिसके चलते हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे सर्दियों के मौसम में भी। और सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात और सबसे खुशी करने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी कोशिश यह करती है सर्दियों के मौसम में अपना टेम्परेचर जो है अपने बॉडी का नॉर्मल रखने की कोशिश करती है। और इसी के चक्कर में जब वो अपनी बॉडी अपने बॉडी को टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करती है, तब अपनी बहुत सारी कैलोरी जो है बॉडी की वो लूज़ हो जाती है। यानी कि अपनी जो कैलोरी है वो सबसे ज़्यादा बर्न होने लगती है। और जब अपना वेट लूज़ होने लगता है ठंडी के मौसम में, बिना कोई एक्सरसाइज के, बिना कोई डाइट प्लान फॉलो किए, जब वो लूज़ होती है तो हमें खुशी होने लगती है। लेकिन ये कब होता है, जब हम सर्दियों में कोशिश जो अपनी बॉडी जो है वो कोशिश करने लगती है कि भाई नहीं, अपनी बॉडी अंदर से काम करती है, यू नो, एक हीलिंग, अपने बॉडी में एक प्राण शक्ति होती है, एक हीलिंग पावर होता है, कि जो हमें जो हमारी बॉडी जो है हर एक मौसम में अपने बॉडी का टेम्परेचर उसके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करती है। और ख़ासकर सर्दियों में जब वो करती है तो कैलोरीज जो है ऑटोमेटिक बर्न होने लगती है। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हमें फूड खाना चाहिए सर्दियों के मौसम में ताकि हमारी अंदरूनी गर्मी है जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सके और अंदरूनी गर्मी भी बढ़ सके। तो क्या ऐसे फूड है, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि मेथी के लड्डू बनाते हैं बहुत सारे लोग, उड़द के लड्डू भी बनते हैं, और बहुत सारी जगहों में तो आपने देखा हो कि बादाम के लड्डू बनने लगते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स के लड्डू बनते हैं, खजूर के लड्डू बनते हैं। तो वो सब चीज़ें बनाते हैं लोग और खाते भी हैं ताकि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे। और आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे तो यूजली हमें सुबह उठकर आलमंड्स खाने चाहिए, लेकिन आलमंड्स से भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहता है और अपने बॉडी को गर्मी पहुँचाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं अगर ये कहूँ तो फूड में क्या सबसे ज़्यादा है, हनी भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वार्म बनाए रखता है ठंडियों में, खासकर सर्दियों में। जब हम सवेरे उठकर गर्म पानी में हनी मिलाकर पीते हैं नींबू के साथ या अदरक के साथ, तो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, जैसे कि हनी और अदरक, ये दोनों अपनी बॉडी का टेम्परेचर है उसे गर्म बनाए रखता है और उसे मेंटेन करता है, नॉर्मल बनाए रखता है, और जिसके चलते हमें सर्दी यानी कि कोल्ड फ्लू भी नहीं होता है। जब सर्दियाँ आती है तो बहुत सारे लोगों को ठंड लगने लगती है और उन्हें कोल्ड और फ्लू होने लगता है। बहुत सारे लोगों को तो ठंडी सूखना होने पे बुखार भी हो जाता है। तो उस हालत में हमें उन्हें गर्म क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि अखरोट है, आलमंड्स है, हनी है, हनी से भी अपनी बॉडी वार्म होती है। सेकेंड उसके बाद आता है ये अदरक, जैसे कि वार्म वाटर में आप अर्ली मॉर्निंग में हनी और अदरक मिक्स करके, अदरक का या सूट पाउडर भी डाल सकते हैं आप, अदरक को पानी में उबाल के भी आप पी सकते हैं, उसमें हनी मिक्स करके पी सकते हैं, उससे भी बॉडी मेंटेन रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और लहसुन है, प्याज है, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक काम करता है। आप देखेंगे कि आपको ठंड से बचाता है और इसके चलते आपको कोल्ड एंड फ्लू भी नहीं होने देता है।
तो ये सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ें हैं जो आपको खानी होती है सर्दियों में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड नट्स है, और हनी, अदरक, लहसुन, प्याज, ये अगर आप चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल बने रहेगा और आपको कोल्ड फ्लू भी नहीं होगा और सर्दी भी नहीं लगेगी आपको। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि सुबह सुबह हमारे यहाँ मतलब स्पेशली बादाम के दूध बना कर, बादाम को रात को भिगो कर सुबह पीस कर उसको बादाम का दूध बनाते हैं, बादाम का हलवा बनाते हैं ताकि अच्छा बना रहे। मेथी को कूट कर, मेथी को पीस कर भी उसका भी हलवा बनाया जाता है, और मेथी के लड्डू भी बनाए जाते हैं, उड़द दाल के भी लड्डू बनाए जाते हैं। तो इससे अपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है। और अब सर्दियों में क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? शुगरी आइटम, शुगरी फूड्स, डेयरी मिल्क के फूड्स, वो आपको नहीं खाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आपको नहीं खाने हैं। शुगर की चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है। और वाइट फ्लोर वाली जैसी चीज़ें, वाइट चीज़ें जैसे कि शक्कर, मैदा, नमक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। इन सब चीज़ों से आप बचें। और कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली एरेटेड ड्रिंक्स को आपको नहीं पीने हैं, तो इसके चलते आपके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। सो ये थी विंटर्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैंने जानकारी बताई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ रिव्यूज दीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ताकि आपसे और आपके लिए वीडियो बना सकूँ और मुझे और प्रेरणा मिलती रहे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।